फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए आज और एक और नया गेम, मजेदार फनी सा गेम खेलते हैं। पुराना गेम है, आप लोगों ने भी बचपन में खेला होगा, मैंने तो खेला था। तो कैसे करते हैं, कुछ चूड़ियां हैं, ऐसे टूटी हुई चूड़ियां लेंगे और इसके साथ खेलेंगे। गेम कैसे खेलना आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेके हम ऐसे डाल देंगे, यहाँ ये डाल दिया है। अब हमको एक ही कलर की पेयर निकालना है, और कैसे निकालना है, हमारी उंगली उठना नहीं चाहिए और जिस साइड से भी आप निकालना चाहो निकाल लो। और अगर आप किटी में खिलाते हैं तो आप 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे खेल लीजिए। और इसमें से एक दूसरे की चूड़ी निकालते समय टच नहीं होनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे खेलती हूँ। जैसे कि मैंने ये रेड वाली ली तो ये ऐसे उठाना नहीं है, ये ऐसे निकाल देना। अब ये ग्रीन वाली ली है तो ये ऐसे यहाँ निकाल देना। अब इसके बाद व्हाइट भी ऐसे उठाना नहीं है आपको, ये ऐसे जैसे ये हिल गई तो इसे हिलना नहीं चाहिए, ये निकाल दिया हमने। फिर ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली है, ये ऐसा, फिर इसके साथ ये ऐसा, ये यहाँ निकाल दिया। फिर ये रेड वाली है तो ये रेड वाली और ये ऐसा, इसको यहाँ निकाल दिया। फिर ये वाइट वाली है तो एक वाइट ये है और एक वाइट ये है, तो ये हाथ उंगली उठना नहीं चाहिए, इसको यहाँ निकाल दिया। फिर एक ये वाइट है, अब ये ग्रीन से टच है तो इसको हिलना नहीं चाहिए, धीरे से ऐसा निकाला और फिर ये ऐसा निकाल दिया। अब हमको ऐसे ही ढूंढना है, एक रेड ये है तो ये और ये निकाल दिया। फिर इसके बाद ये, फिर आप ये ग्रीन लिया और ये ग्रीन, ये देखिए ये हिल गया तो ये गेम यही ओवर हो जाता है। तो अब विनर कैसे खिलाना है, हर मेंबर ऐसे खेलेगा और विनर हम ऐसे देखेंगे। एक पेयर, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और एक ये सात, और एक ये आठ, मेरे एट बन गए, एट पेयर बने हैं मेरे, तो मेरी काउंटिंग एट होगी। इसी प्रकार हर मेंबर आएगा, इसको फिर से उठाएगा और फिर से ऐसे हाथ में लेगा और फिर से वो हाथ में ऐसे लेके फिर से ये ऐसे डाल देगा। और बहुत तेजी से नहीं डालना है कि पूरे में फैल जाए, बस ये सेंटर में इतने में होना चाहिए और गेम वैसे ही स्टार्ट करेगा। तो गेम अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।